हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 5 पॉइंट्स में लिखे थे नोट्स के। अभी 6.8 ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। तो ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, राइट? तो एंगल बी इसमें 90 डिग्री है, ओके? तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस टेनियस, ओके। तो 7 पॉइंट हम देख रहे हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से है? तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉन, कॉट। तो साइन, साइन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? ऐसा ही साइन है, ओके। शॉर्ट फॉर्म उसका साइन थीटा है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा मतलब ये है, मतलब थीटा मतलब एंगल को डिनोट करने के लिए हम थीटा का यूज करते हैं। थीटा एक ग्रीक लेटर है, ओके। जैसे अल्फा बीटा गामा ग्रीक लेटर्स है, ऐसे थीटा भी क्या है? ग्रीक लेटर है, ओके। तो थीटा हम एंगल के लिए यूज करते हैं। तो थीटा ये एंगल की बात हमने करती है, एंगल सी की बात, ओके। तो ये ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूज। मतलब एंगल सी की बात करेंगे तो ए बी उसका ऑपोजिट साइड होगा, राइट? ए बी सी ट्रायंगल बोलते हैं हम। तो ए बी सी में ए बी की बात करें, राइट, तो सी का ऑपोजिट साइड होगा। बी सी की बात करें तो बी सी के अंदर सी आ गया, राइट? बी सी हम लिखेंगे तो सी अंदर आ जाएगा, इसलिए बी सी को हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, राइट? तो ये मैंने ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दे दी कि कौन सी साइड को हम क्या क्या बोलते हैं, राइट? साइन थीटा, तो फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है? ए बी है, राइट? ए बी को हमने वाई से डिनोट किया है, राइट? तो ऑपोजिट साइड लिखा है, ये वाई लिखा है, ओके। यहाँ पर वाई लिखा है और ये हाइपोटेन्यूज है। ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी अपॉन ए सी, राइट? इसको वाई डिनोट किया, इसको आर डिनोट किया है, ओके। तो वाई अपॉन आर, ए बी अपॉन ए सी। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोसेकंड, राइट? कोसेकंड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कोसेक। फिर कोसाइन, कोसाइन का शॉर्ट क्या होता है? कॉस, राइट? तो ये सब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए याद रखने हैं, राइट? उसकी फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड, सी का एडजेसेंट साइड कौन सा है? बी सी है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए सी है, राइट? तो बी सी बाई ए सी, बी सी को हमने एक्स से डिनोट किया है और हाइपोटेन्यूज को आर से डिनोट किया है, ओके। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री ये राइट एंगल ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन पर ही है, राइट? इसको आपको ध्यान में रखना है, ये फिगर आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ओके। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर, तो बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी हो गया। और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, सेकंड, राइट? कॉस का कोसाइन का रेसिप्रोकल सेकंड होता है, ओके। तो वन अपॉन सेक थीटा, देन टेन थीटा, तो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, राइट? ऑपोजिट साइड कौन सी है? वाई एडजेसेंट एक्स है, राइट? मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी बाय बी सी, ये हमने लिखा नहीं इधर, ए बी बाय बी सी। एंड अगर दोनों को हमने आर से डिवाइड कर दिया, तो आर से डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन आर और एक्स अपॉन आर। वाई अपॉन आर क्या है? साइन थीटा है। एक्स अपॉन आर क्या है? कॉस थीटा, राइट? यहाँ पर वाई अपॉन आर क्या है? साइन थीटा। एक्स अपॉन आर क्या है? तो कॉस थीटा है। तो साइन बाय कॉस वन, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, तो वन अपॉन कॉट, तो ए बी बाय बी सी, राइट? देन कोसेक, यहाँ पर हमने लिखा था कोसेक वन बाई साइन का मतलब कॉस कोसेक होता है, तो कोसेक वन अपॉन साइन होगा, दैट इज आर अपॉन वाई होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू कोसेक थीटा, तो वन कोसेकंड, राइट? टेन, टेन क्या? टेंजन, पूरा नाम है टेंजन, राइट? तो टेंजन का शॉर्ट फॉर्म टेन होता है, राइट? देन कोसेक थीटा, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा का वन अपॉन कॉस है, यहाँ लिखा था हमने कॉस का वन अपॉन सेक, तो सेक का वन अपॉन कॉस,
cos का क्या निकलता है x / r, तो cos का क्या होगा r / x, तो cos / sec 1 होगा, cross multiply करेंगे sec / cos तो 1, ओके, then cot theta 1 / 3 होता है, राइट, यहाँ पर लिखा है हमने 1 / tan का 1 / cot, तो cot का 1 / tan, राइट, तो x / y, यहाँ पर क्या था y / x, तो उसका reciprocal x / y, therefore cot / tan क्या होगा cot / tan = 1, राइट, तो cot का फुल फॉर्म क्या है cotangent cotangent का शॉर्ट फॉर्म हमने किया cot, राइट, ये sin 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 का शॉर्ट फॉर्म है, देन ये cosine का शॉर्ट फॉर्म cos, tangent का शॉर्ट फॉर्म tan, cosecant का शॉर्ट फॉर्म क्या है cosecant का शॉर्ट फॉर्म क्या है sec, cotangent तो cotangent का शॉर्ट फॉर्म क्या है cot, ओके, तो ये सारी फॉर्मूला आपको याद रखनी है और आगे फॉर्मूला आएगी, सारी फॉर्मूला मैं पहले पूरे दो चैप्टर की फॉर्मूला दिखा देता हूँ, कौन कौन से 9 और 8 और 9 दोनों चैप्टर की मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उसके बाद में फॉर्मूला को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम सम सी करेंगे, ओके, तो हम सिर्फ सम सी करेंगे, ओके, तो अभी ये आप लोग को पूरी फॉर्मूला से लिख दे रही है, तो आप लिख दीजिए उसके आगे बढ़ेंगे हम, ओके स्टूडेंट्स अभी आगे करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ab स्क्वायर + bc स्क्वायर = ac स्क्वायर, ab को हमने y लिया, bc को हम x लिया है, ac को r लिया हमने, तो वी कैन राइट y स्क्वायर + x स्क्वायर = r स्क्वायर डिवाइडिंग होल बाय r स्क्वायर बराबर, तो इसको r स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको r स्क्वायर से, इसको r स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आप पूरे फॉर्मूला कैसे आते हैं उसकी मेथड आप याद रखेंगे तो फॉर्मूला पूरी याद रह जाएगी आपको, ट्रिग्नोमेट्री पूरा फॉर्मूला बेस है, ओके, तो y / r होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, x / r होल स्क्वायर लिख सकते हैं = 1, तो y / r मतलब क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, x / r क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, राइट = 1, तो ये आपका फंडामेंटल फॉर्मूला आ गया, सो sin स्क्वायर = 1 - cos स्क्वायर, सो cos स्क्वायर = 1 - sin स्क्वायर मिलेगा हमें, ओके cos स्क्वायर = 1 - sin स्क्वायर, देन डिवाइडिंग 1 / sin स्क्वायर थीटा, फर्स्ट को हम sin स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें sin स्क्वायर + cos स्क्वायर sin स्क्वायर = 1 / sin स्क्वायर थीटा, ओके सो sin स्क्वायर कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें 1 cos / sin का होता है cot, ओके और 1 / sin का होता है cos स्क्वायर, राइट, तो 1 + cos स्क्वायर = cos स्क्वायर, इसके ऊपर से तो और फॉर्मूला मिलेगा हमें cos स्क्वायर - cot स्क्वायर = 1 एंड cos स्क्वायर - 1 = cot स्क्वायर, 1 इस तरफ जाएगा तो cos स्क्वायर - 1 क्या हो जाएगा cot स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो cos स्क्वायर - cot स्क्वायर = 1 मिलेगा, देन डिवाइडिंग 1 / cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर / cos स्क्वायर और 1 / cos स्क्वायर, sin / cos क्या हो जाएगा tan, cos cos स्क्वायर हो गया तो 1 1 / cos क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ओके तो इसके ऊपर से और दो फॉर्मूले मिल गए हमें sec स्क्वायर - 1 और इस तरफ क्या तो -1 = tan स्क्वायर एंड sec स्क्वायर - tan स्क्वायर = 1, तो ये सारी बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ओके ऑल दिस यू आर राइट, आगे भी फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।